एम ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग फॉर मिनिस्ट्री एंड वुमेन्स इंदौर। आज मैं आप लोगों को ड्रेपिंग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ड्रेपिंग एक्चुअली एक टेक्निक है पैटर्न बनाने की। जब भी हम ड्रेपिंग करते हैं तो उसके लिए हम ड्रेस फॉर्म का यूज करते हैं। अभी तक हमने ड्राफ्टिंग मेथड से हम लोग पैटर्न बनाते हैं, या फ्लैट पैटर्न टेक्निक का यूज करके हम पैटर्न बनाते हैं। इसी तरह से ड्रेपिंग भी एक प्रोसेस होती है, एक मेथड है ये ड्राफ्टिंग करने की। जब कोई गारमेंट हमें 3D मोड में बनाना होता है, जिसे हमें 3D डायमेंशन में देखना होता है, इसमें हम गारमेंट का एक्चुअल लुक्स का फॉल सब कुछ देख सकते हैं। ये फैशन डिजाइनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्रेपिंग की जो प्रोसेस है, इसमें आपको ड्रेस फॉर्म के ऊपर फैब्रिक को पूरा, जो भी आपका गारमेंट का स्ट्रक्चर है, जैसा डिजाइन है या जैसा आपको स्केच में दिया गया है, उसके अनुसार आपको इसे पिन करना होता है। इसके लिए जो बेस होता है, इस टेक्निक में काम करने के लिए बेस होता है स्केचिंग। फैशन डिजाइनर एक तरह से इसमें फैब्रिक के फॉल के साथ में प्ले खेलते हैं, यानी कि आप इसे हर बार पिनिंग के, अभी आप इसको फाइनल स्टिच करते नहीं है, आप इसमें पिन लगाकर फैब्रिक को पूरा सेट करते हैं। तो उसमें आप बार बार उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसमें गैदर्स ठीक नहीं, प्लीट्स ठीक है, प्लीट्स में ये नहीं, वो नाइफ प्लीट नहीं अच्छी लग रही है, बॉक्स प्लीट चाहिए, आपको किस तरह की चाहिए, जो भी है। तो आप इसमें हर बार चेंज करके इसे बार बार बदल कर, और जब तक आप इसके लुक से, इसके डिजाइन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक आप इसके साथ में आराम से काम कर सकते हैं। एक बार जब आपकी फाइनल हो जाती है डिजाइन, तब आप इस फैब्रिक को ड्रेस फॉर्म से रिमूव कर लेते हैं और स्टिचिंग करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ड्रेपिंग के मैंने 3 इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं, ये ड्रेपिंग में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ये देखिए इस तरह के ड्रेसेस, ये ड्रेपिंग के लिए ड्रेपिंग से बनाए जाते हैं। इन ड्रेसेस को बनाने के लिए हम फ्लैट पैटर्न टेक्निक या ड्राफ्टिंग मेथड की बजाय ड्रेपिंग करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ड्रेपिंग में आपको इनका एक्चुअल लुक दिखाई देता है। अभी फैब्रिक की कटिंग अलग होती है, लेकिन जब इसे बनाया जाता है, स्टिच किया जाता है, इसमें फोल्ड्स डाले जाते हैं, इनका लुक पूरा चेंज हो जाता है। और इसे हम ड्रेपिंग के जरिए ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक जो होता है, अभी आपका ये फैब्रिक अगर हम यहाँ से इसे ओपन कर दें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बनने के बाद जब डिजाइन हम बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरा फैब्रिक इकट्ठा हुआ है और सारे फोल्ड्स इस साइड आके इसकी लेंथ बराबर लग रही है। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे कि इसमें दोनों साइड ये बैलेंस में है, ये आपका एसिमेट्रिकल है, वन साइड सारा आपका इसका जो है फॉल जा रहा है, लेकिन फ्लेयर आपका एक समान दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा ड्रेपिंग हमने किया है, इसमें सारी प्लीट्स को सेंटर में, फ्रंट एंड बैक में हमने इन्हें अरेंज किया है, और ड्रेस का जो है इसका डिजाइन, जो इसका फॉल है, जो काउल्स आ रहे हैं, वो साइड में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो ड्रेसेस बनाई हुई है, इनके लिए हम इस तरह के ड्रेसेस बनाने के लिए हम ड्रेपिंग टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि ड्रेपिंग के जरिए ही आप इन ड्रेसेस को अच्छी तरह से बना सकते हैं और अच्छी तरह से इनकी फिटिंग और डिजाइन को चेक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ड्रेपिंग में क्या क्या होता है। फैशन ड्रेपिंग जो है यूजुअली मसलिन फैब्रिक के साथ की जाती है। मसलिन का जो फैब्रिक होता है बहुत ही सस्ता होता है, अनब्लीच्ड होता है, बहुत लूज बुनाई वाला एक फैब्रिक होता है, जिसका यूज ड्रेपिंग के लिए हम करते हैं। हमें डिजाइन और फिटिंग से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, जो पैटर्न की कटिंग में या फैब्रिक में आते हैं, वो हम इस पर पिनिंग करके या ड्रेपिंग करके हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ड्रेपिंग के लिए जो मेन कैरेक्टर होता है, वो होते हैं इसके फॉल्स एंड फोल्ड्स। जो रियल फैब्रिक आपका, जो रियल फैब्रिक का गारमेंट के लिए आप यूज करने वाले हैं, उसी वेराइटी, उससे मिलती जुलती वेराइटी का और लगभग उतने ही वेट वाला आपको मसलिन का यूज करना चाहिए। मसलिन जो होता है अलग अलग तरह के वेट में और अलग अलग तरह की थिकनेस में मिलता है, ये बहुत सस्ता होता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो फैब्रिक मेन यूज करने वाले हैं, उससे मिलता जुलता कोई फैब्रिक है, उसकी तरह फॉल वाला, वेट वाला फैब्रिक जो बहुत सस्ता हो, उसे लेकर भी आप ड्रेपिंग करके उसे चेक कर सकते हैं, उसकी फिटिंग और उसके फॉल को। फैशन डिजाइनर जो होते हैं ड्रेपिंग जब करते गारमेंट की, तो वो सेक्शंस में करते हैं, जैसे फ्रंट बॉडीज, बैक बॉडीज, फ्रंट स्कर्ट, बैक स्कर्ट, इस तरह से अलग अलग। तो ये जब किया जाता है ड्रेपिंग का काम, तो ये पता चलता है कि पहनने के बाद में आपको ये डिजाइन कैसा नजर आएगा। एंड ओनली द राइट साइड ऑफ द गारमेंट, हमेशा गारमेंट के राइट साइड पर, जब भी हमें कोई ऐसी ड्रेस होती है जो कि आपके एसिमेट्रिकल डिजाइन वाली है, तब हमें स्पेशली इस तरह के ही इसी पैटर्न का यूज करके, ड्रेपिंग का यूज करके उसे बनाना चाहिए।
अब ड्रेपिंग की जो प्रोसेस है और उसकी टेक्निक है, हम उस पर बात करेंगे। इसमें अलग अलग स्टेप्स में काम होता है। हम यहाँ स्टेप वन में देखेंगे, मसलिन का ये पीस है, हमने इसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेजरमेंट है उसके अनुसार पीस को कटिंग करके लेंथ और विड्थ में उतना ले लिया है और इसको थोड़ा सा बढ़ता हुआ लिया है। अब इसमें सारी चीजें, इसको टीयरिंग, ये देखिए टीयर कर दिया है, ब्लॉकिंग प्रेसिंग वगैरह करके कंप्लीट करके इस पे जो ग्रेन लाइन है उन्हें मार्क करके, और इम्पोर्टेंट लाइन यानी आपकी चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन है, और ये आपकी जो डार्ट के लिए हम लाइन यूज करने वाले हैं, बस्ट के लिए, वो बस्ट टेबल के लिए लाइन है। तो इस तरह से हमने लाइन इस पर मार्क की है और मेजरमेंट से थोड़ा बढ़ता हुआ फैब्रिक हमने कट कर लिया है। नाउ स्टेप टू, नाउ द एक्चुअल ड्रेपिंग। अब जो हमारी ड्रेपिंग स्टार्ट होती है, देखिए ये जो फैब्रिक हमने लाइन किया था उसे ये ड्रेस फॉर्म के ऊपर पिन किया है। सबसे पहले नेक पर किया है, नेक पर से फिट करने के लिए यहाँ पर क्लिपिंग करनी पड़ी है जिससे कि इस पे आराम से फिट हो जाए। अब आप देखेंगे हमने इसे फैब्रिक बढ़ता हुआ लिया था लेकिन चेस्ट लाइन पर ये आपका आ रहा है, यहाँ आपने ये पिन कर दिया है, यहाँ वेस्ट लाइन पर पिन किया है। चेस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिफरेंस आया है उसे यहाँ पर डार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए डार्ट में इंटेक कर दिया गया, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था चेस्ट और वेस्ट के बीच में उसे डार्ट के इंटेक में ले लिया गया है और यहाँ पर एक डार्ट डाल दी गई है। इसी तरह आप देखेंगे वेस्ट से नीचे की तरफ यहाँ पर फिर से आपको जितना चाहिए उतना लेके ये फैब्रिक को पिन कर दिया गया है और यहाँ बिल्कुल डॉटेड लाइन से हमने आर्म होल की लाइन को मार्क किया है। हमारे पास अभी तक सिर्फ देखिए हमने ये लाइन ली थी चेस्ट लाइन, इसके हिसाब से आर्म होल की लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए और यहाँ स्लांटिंग, लेकिन इस जब ड्रेस फॉर्म पे हमने इसे लगाया तो हम देख रहे कि हमें आर्म होल की लाइन यहाँ मिली, हमने उसे डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया है और इस तरह से हमें ये एक जो फैब्रिक है हमें इसका शेप मिल जाता है। इसमें हमें टक्स मिल रहे हैं, डार्ट्स मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं और भी क्रीज आ रही है या कहीं से लूज कपड़ा हो रहा है तो वहां भी आप डार्ट या टक्स को डाल करके उसे पिन करके और फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद वाले स्टेप में आप देखेंगे, अभी देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रही है जहां जहां पर भी हमारी फिटिंग आई, हमने यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग की डॉट्स लगाकर, उसमें हमने देखा था हमने आर्म होल के लिए फिक्स किया था, यहाँ हमने ये किया और ये बस्ट पॉइंट पर हमने डार्ट की लेंथ लेके पिनिंग कर दी हुई है। जब हमें इस तरह से लगता है कि अब हम सारी डिजाइनों को देख चुके हैं, हमारी डार्ट की लोकेशन हमें मिल गई है और सारी चीजें मिल गई, हम उन्हें डॉटेड लाइन से और ब्रोकन लाइन से हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इसे फाइनल करने के लिए अब हम इस ये जब हम इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम उस फैब्रिक को जो डॉटेड लाइन की हुई थी उसे हम पिन हटाकर ड्रेस फॉर्म से अलग कर लेते हैं और इस तरह से फ्लैट तरीके से टेबल पर बिछा लेते हैं और इसमें ट्रूइंग की प्रोसेस करते हैं। ट्रूइंग एक्चुअली जो होती है वो आपकी जो आपने लाइन वहां पर जैसे हम नॉर्मल की लाइन के लिए डॉट्स लगाई थी, ब्रोकन लाइन ड्रॉ की थी, अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे प्रॉपर गोलाई देते हुए और ब्लेंडेड लाइन मतलब पूरी लाइनों को मिलाकर क्लियर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन पर हम लोग रूलर की हेल्प लेके स्ट्रेट लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। एक बार जब आपकी ट्रूइंग कंप्लीट हो जाती है आपको सारी सीम लाइंस, ट्रूइंग कंप्लीट होने के बाद में आप उसमें सीम लाइंस को ऐड करते हैं और सीम लाइंस यानी कि जहां आपको ये तो आपने फिटिंग पर लगाए हैं सारे मार्क, सिलाई के लिए आपको मार्जिन देना होगा, सिलाई में जो फैब्रिक आपका अंदर दबाना है तो वो लाइन को हम मार्क करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सेस मटेरियल है उसे हम कट कर देते हैं। इस तरह से जो मसलिन है फिर उसके बाद में हम ये सारी चीजें कट करने के बाद में अब जो हमारा मसलिन था उसे हम फ्लैट में ही सारी पिन लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जो जो भी हमने लाइन मार्क की है वहां पर हम डार्ट डालते हुए टक्स डालते हुए उसे पिनिंग करके कंप्लीट करते हैं और फिर से उसे एक बार उठाकर ड्रेस फॉर्म के ऊपर लाते हैं और उसे ड्रेस फॉर्म पे लगाकर देखते हैं कि कहीं कोई कम कुछ कम ज्यादा या लूज टाइट तो नहीं है, फिटिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें अभी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। अब आप देखिए ये डार्ट हो गई है, यहाँ आपकी ये शोल्डर डार्ट है, ये नीचे से वेस्ट डार्ट है, दोनों ही बस्ट लेवल पर आई हुई है। यहाँ आपने देखिए आर्म होल की लाइन हमारी ये मेन लाइन थी और ये हमने यहाँ पर जो सीम लाइन सिलाई के लिए हमें छोड़ना था फैब्रिक सीम अलाउंस के लिए वो छोड़कर हमने यहाँ कटिंग की हुई है और यहाँ हमने ये लाइन मार्क की है फिटिंग के लिए। अब हम इसमें भी सीम अलाउंस छोड़ते हुए इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। एक बार जब आपके गारमेंट के सारे पीसेस ड्रेप हो जाते हैं
और पिन हो जाते हैं। फिर आप इसका फ्रंट रेडी हुआ, आपको बैक भी इसी तरह से तैयार करके फिर दोनों को मिलाकर इनका सीम अलाउंस लेते हुए सारा एक्स्ट्रा जो एक्सेस फैब्रिक उसे कटिंग करने के बाद दोनों पीस फ्रंट एंड बैक मिलाकर हम उन्हें पिन करके और उसकी प्रॉपर फिटिंग यानी फाइनल फिटिंग देखते हैं और उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब उसे ड्रेस फॉर्म से हटा लेते हैं और फिर उसे रखकर हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं। देखिए यहाँ जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके लुक से उसकी फिटिंग से तब पिन गारमेंट को जो मसलीन से किया हुआ है उसको हम पिन से रिमूव करके ड्रेस फॉर्म से रिमूव करके उसे फ्लैट प्रेस करते हुए उसमें सीम लाइन सारी ऐड करते हुए ग्रेन लाइन मार्किंग करके करेंगे, सारे नोचेस भी ऐड करेंगे और इसे पेपर के ऊपर हम ट्रांसफर, ये देखिए मसलीन है आपका, इसे रखकर हम पेपर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पेपर में हमारे पास ये तो फाइनल फिटिंग है, इसमें जितना भी आपको सीम अलाउंस ऐड करना है वहाँ फोल्ड लाइन आपको नीचे बॉटम पर हेम लाइन चाहिए, अगर आपको ब्लैकेट देनी तो ब्लैकेट है, सब जगह जहाँ जहाँ जरूरत है आप उनमें फोल्डिंग के लिए और इनलेस के लिए सॉरी आप सीम मार्जिन के लिए लाइंस को जो है ऐड करेंगे और सारी चीजें आप इस पे फाइनल करके पेपर के ऊपर इसको पूरा मार्क करेंगे और इसमें नॉचेस भी सारे हम लगाएंगे जहां जहां जरूरत है हमें बैलेंस मार्क्स की वहां वहां पर हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। अब जो आपकी ड्रेपिंग की प्रक्रिया है इसकी फैशन डिजाइनर को क्यों आवश्यकता है और क्यों उन्हें आना चाहिए, सीखने की क्या जरूरत है। जब भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं आजकल ड्रेपिंग की जो प्रोसेस है उसको ज्यादा यूज नहीं कर रही हैं, लेकिन ड्रेपिंग की जो प्रोसेस है ये बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोसेस है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये की स्किल है अपेरल डिजाइनर्स के लिए। स्पेशली जो लोग फैशन डिजाइनर्स होते हैं जो पर्टिकुलर फैशन के अकॉर्डिंग और फैशन वियर को ही डिजाइन करते हैं और उन लोगों के लिए ड्रेपिंग की प्रोसेस आना, ड्रेपिंग के बारे में जानना, ये स्किल को जानना बहुत जरूरी है, ये फैशन डिजाइनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर गारमेंट का कोई सैंपल आपका किसी तरह से फिटिंग में पुअर है, उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, उसका लुक उसका शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है और डिजाइनर यदि जानता है डार्ट्स और सीम के बारे में, उसमें शेप के बारे में, तो वो उसी समय उसे फिट से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो एडवाइस देकर फैक्ट्री में उन्हें करेक्ट करवा सकता है, प्रॉब्लम को वहीं के वहीं सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये वो तभी कर सकेगा जबकि उसे ड्रेपिंग का नॉलेज होगा। जब भी सैंपल बनता है तो पहले उसे ड्रेस फॉर्म के ऊपर ही ड्रेप करके और उसे पहना कर उसके ऊपर डालकर उसे दिखाया जाता है और फिर डिजाइन को फाइनल किया जाता है और तब उसका फाइनल पीस बनता है सैंपल के बाद में। तो जब भी ड्रेपिंग होती है तो ड्रेपिंग जो है कम्प्लीटली खत्म भी नहीं हुई है, अभी भी इसका जो यूज किया जाता है ड्रेपिंग का सामान्य डिजाइनिंग में या सामान्य जो इंडस्ट्रीज में यूज नहीं किया जाता, लेकिन हाई फैशन कोचर्स होते हैं, फैशन हाउसेस है, इवनिंग ड्रेसेस जो बनाते हैं, जो लिंगरी कंपनीज हैं, ये इनके जो मोस्ट ऑफ द गारमेंट अधिक से अधिक गारमेंट जो इनके होते हैं मैक्सिमम वो ड्रेपिंग के प्रोसेस के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं, उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। जब भी गारमेंट को ड्रेप किया जाता है तो डिजाइनर जो होता है वो उसी समय उसको देखकर इमीडिएटली उसको करेक्शन कर सकता है, उसकी फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, बिना उसे किसी पेपर पर लिए वो गारमेंट के ऊपर ही उसे पिन लगा करके और प्रॉपर उसकी फिटिंग और उससे आने वाले इश्यूज को वहीं के वहीं जो आपका जो भी बायर है या जिसे भी आप दिखा रहे हैं सैंपल उन्हें वो इसको दिखा करके सेटिस्फाइड कर सकता है। यही काम आप फ्लैट पैटर्न मेकिंग में नहीं कर सकते, फ्लैट पैटर्न मेकिंग के लिए आपको पूरा फिर से पैटर्न बनाना होता है और फिर से करना होता है। इसके लिए सबसे पहले जो है ड्रेपिंग की प्रोसेस में ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है और कुछ जो फैब्रिक होते हैं उनके लिए उन्हें ड्रेस फॉर्म पर बनाना ही सही होता है, बल्कि उन कपड़ों का इसी तरह का नेचर होता है, यानी वो कपड़े इस तरह के होते हैं, जैसे आप सैटिन देखेंगे, लाइक्रा देखेंगे, इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं, जो नीटेड फैब्रिक होते हैं, जो बहुत हाई फैशन में यूज किए जाते हैं, फैंसी फैब्रिक्स होते हैं, उनका वो फैब्रिक इसी इस तरह के होते हैं कि उनके फोल्ड्स और उनकी जो एक्चुअल डिजाइन को, उनके लुक को जो है ड्रेपिंग पर ही आप देख सकते हैं, फ्लैट पैटर्न में आपको उसका एक्चुअल लुक नजर नहीं आ पाता है। अभी हम देखेंगे ड्रेपिंग की इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेपिंग। ड्रेपिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है एक फैशन डिजाइनर के लिए। Fashion designer can also use draping technique for designing and creating different design.
फैशन डिजाइनर जो होते हैं ड्रेपिंग टेक्निक का यूज करके बहुत तरह के डिजाइंस, अलग अलग तरह के डिजाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रेपिंग फैशन डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट्स को डिफरेंट और यूनिक वेरिएशन डिजाइन में, अगर यूनिक वेरिएशन यूनिक डिजाइन चाहिए तो उसके लिए उन्हें ड्रेपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और ड्रेपिंग आनी ही चाहिए। ड्रेपिंग को जो है कंसिडर किया जाता है डिजाइंड गारमेंट जो हमारे होते हैं उनके उनके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ड्रेपिंग का प्रयोग किया जाता है, ड्रेपिंग को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इट इज अ टेक्निक टू हैंग फैब्रिक ऑन, ये जो एक्चुअल टेक्निक है मैनीक्विन के ऊपर फैब्रिक को हैंग करने की टेक्निक है। हम फैब्रिक को मैनीक्विन के ऊपर हैंग करते हैं, उसे पिन लगाकर उस हैंग फैब्रिक के फोल्ड्स और उसकी जो लुक है उसका फोल्ड्स है उसके फॉल है उन्हें देखते हैं और उनमें बदलाव वहीं के वहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ड्रेपिंग की, इसमें ड्रेस फॉर्म बहुत आवश्यक होता है। मैनीक्विन ड्रेस फॉर्म या आपको कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपको जिसके लिए ड्रेस बनानी है उसके ऊपर आपको ड्रेस को फैब्रिक को लगाते हुए उसे बताना होता है कि किस तरह से बनेगी, लेकिन आप उस पर पिन नहीं कर सकते। ड्रेस फॉर्म के ऊपर आप आराम से इसे पूरी तरह से पिन करके ड्रेस को पूरा किस तरह से बनने के बाद वो नजर आएगा आप उसे एक बार देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत टाइम सेविंग मेथड है फैशन डिजाइनर्स के लिए। ड्रेपिंग जो है मसलिन या लेयन क्लॉथ के साथ में की जाती है। मसलिन बहुत ही कॉमन और बहुत सस्ता कपड़ा है और बहुत ही विश्वसनीय कपड़ा होता है। ये ड्रेपिंग के लिए यूज किया जाता है। ड्रेपिंग की जो के लिए अलग अलग तरह के वेट वाले अलग अलग तरह की थिकनेस वाले मसलिन के फैब्रिक मिल जाते हैं और हम लोग इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हर बार हमें डिजाइन के अनुसार, हम इनके लुक के अनुसार, हम अलग अलग डिजाइन डिफरेंट लुक और डिफरेंट डिजाइन के लिए डिजाइनर्स इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ड्रेपिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फैशन डिजाइनिंग में। जो लोग केवल डिजाइनर गारमेंट्स बनाते हैं या पर्टिकुलर जो गारमेंट्स डिजाइन करके ही बनाए जाते हैं और उसी पर्पस से यूज किए जाते हैं या कोई एक ही पीस एक तरह का बनाया जाता है तब ड्रेपिंग की प्रोसेस का ज्यादा यूज किया जाता है। अब ड्रेपिंग की प्रोसेस करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इससे एक तो आपका फैब्रिक का वेस्ट नहीं होता है। मसलिन का कपड़ा जो बहुत ही सस्ता होता है आप बेटर फिटिंग के लिए उसका यूज करते हैं। फर्स्ट आप जो होता है मसलिन का पीस होता है उसे ड्रेप करके देखते हैं और इसके लिए बेस होता है आपके पास में स्केच। आपके पास जो स्केच है उस स्केच के अनुसार देख कर आप फैब्रिक को ड्रेस फॉर्म पर ड्रेप करते हो। And position always take accurate measurements before pinning a cloth onto a mannequin. हमेशा आपको accurate measurement लेकर कपड़े को mannequin के ऊपर pinning करना चाहिए। अगर measurement के अनुसार नहीं किया है तो आपका fabric unnecessary waste होगा। अलग अलग तरह के जो fabric होते हैं draping के लिए garment सिलने के लिए जो होते हैं हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए अलग अलग weight और अलग अलग उनका बिहेव कैसे अलग अलग हो सकता है। जैसे वेलवेट है, वेलवेट में फॉल बहुत अच्छा आता है लेकिन वेलवेट से आप फ्लफी गारमेंट या उसमें कोई गैदर्स वाली ड्रेस या इस तरह का नहीं बना सकते। वेलवेट से आप ऐसा ड्रेस बना सकते हैं जो स्ट्रेट हो और जिसकी फिटिंग अच्छी हो इस तरह के। इसी तरह से आप देखेंगे आपका जो नेट होता है, नेट में भी लाइट वेट होता है और बहुत फ्लफी भी होता है, दोनों तरह का होता है। ये स्मूथ भी होता है और थोड़ा सा हैवी लुक वाला नेट होता है जिससे कि आप लोग बच्चों की पार्टी फ्रॉक्स बना सकते हैं। हम जो वेडिंग गाउन्स वगैरह बनते हैं ये बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमें अलग अलग गारमेंट के लिए वेट और उनका बिहेव, उनका फॉल, जैसे आपको कुछ में इतना ज्यादा फॉल लगता है, जैसे आप रेडी टू वियर साड़ी है उसके लिए हम सैटिन लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसका फॉल बहुत अच्छा आता है। उसका वेट अच्छा होने से उसके एक एक प्लीट्स का जो है फॉल बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इसीलिए हमें इस तरह के कपड़ों को उनका बिहेव और उनके नेचर को देखते हुए फैब्रिक को लेना चाहिए ड्रेपिंग के लिए। मस्लिन फैब्रिक जो होता है वो भी आपको उसके लगभग ही लेना चाहिए जो आपका मेन फैब्रिक है। डिजाइनर जो होता है हमेशा डिजाइन के साथ में एक तरह से खेलता है और नई नई डिजाइन क्रिएट करता है। विद द फैब्रिक फॉल्स, फैब्रिक का जो फॉल होता है वो अपेरल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जब डिजाइनर जो भी फैब्रिक होता है उसे मैनीक्विन से रिमूव कर लेता है और उसे तैयार करता है और फिर कंटिन्यू उसकी गारमेंट की जो है स्टिचिंग करके उसे सिला जाता है। इस तरह से जो रॉ एजेस, आप जब मैनीक्विन से आप फैब्रिक को हटाते हैं, मसलिन का फैब्रिक लेते हैं
और उसे रखकर उसके ऊपर जब आप मेन फैब्रिक को डिजाइन करते हैं, स्टिच करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि मसलिन के जो फैब्रिक के जो फ्रेइंग है, उसके जो खुले हुए किनारे हैं जहाँ से धागे निकल रहे हैं, आपने कपड़ा कटिंग किया है, वो आपके बाहर दिखाई ना दें। आपको सिलाई इस तरह से करनी चाहिए कि आपके फिनिशिंग दिखाई दे और सारे के सारे थ्रेड जो है वो अंदर की तरफ ही रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका गारमेंट इतना अच्छा ड्रेस डिजाइन होते हुए भी वो अनफिनिश्ड नजर आता है। सबसे पहले जो है आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक, स्लीवलेस ब्लॉक और स्कर्ट ब्लॉक्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप सीखते हैं, आप बिगिनर होते हैं, तो आपको स्लीवलेस केवल ब्लॉक बॉडी का ब्लॉक लेना चाहिए और बेसिक स्कर्ट का ब्लॉक लेना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं आपको ड्रेसेस के, जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे आपको अब स्लीव्स जोड़नी है, उसमें आपको मान लीजिए उसमें पेपलम है आपको टॉप में, तो आपको नीचे फ्रिल जोड़ना है, स्कर्ट है उसमें आपको फ्लेयर बढ़ाना है, ए लाइन स्कर्ट करना है, आपको गॉड स्कर्ट करना है, किसी भी अलग तरह की आपको स्कर्ट, फ्लेयर्ड स्कर्ट बनानी है, जो भी आपको पैटर्न में चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस स्लीवलेस बॉडी ब्लॉक पर और उसके बाद में आपकी बेसिक स्कर्ट पर करनी चाहिए। जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बाकी की कटिंग तो हम फोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन स्लीव्स को हमेशा ओपन रखकर ही हमें उसकी कटिंग करनी चाहिए। आजकल के सिनेरियो को देखते हुए डिजाइनर्स को जो है ड्रेपिंग टेक्निक का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए और अपेरल बिजनेस के लिए, अपेरल इंडस्ट्रीज के लिए नए इस टेक्निक से अच्छे अच्छे ड्रेसेस और नए नए डिजाइन को बनाना चाहिए। थैंक यू।